मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के कई राजनीतिक हस्ती से मुलाकात करने की संभावना है। वहीं सीएम के इस दौरे को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना वापस आ जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश व्यक्तिगत वजहों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। एक वजह उनमें से रूटीन चेकअप भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश की दिल्ली यात्रा को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। बता दें कि शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं संग बैठक की थी। अब इसके एक ही दिन बाद सीएम नीतीश दिल्ली के लिए अचानक रवाना हो जाते हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? बता दें कि इन दिनों आरजेडी कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को लगातार घेर रही है। साथ ही बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की बात कह रही है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। साथ ही नीतीश सरकार लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर रही है। इसे आरजेडी मध्यवर्ती चुनाव के संकेत मान रही है। वहीं इन दिनों बीजेपी जेडीयू के बीच अच्छी तालमेल नहीं दिख रही है। कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव है। वहीं कई मुद्दों पर दोनों का स्टैंड भी अलग अलग दिख रहा है। इस बीच सीएम का यूं दिल्ली दौरा काफी जरूरी माना जा रहा है। अब देखना ये है कि सीएम आखिर क्या करते हैं नीतीश कुमार। क्या ये दिल्ली का दौरा उनका यूं ही है या फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं?